सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कम्युनिस्ट पार्टी के अनशन पर आज तीसरे दिन वीडियो ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड कार्यालय के समीप भ्रष्टाचार घुसखोरी के विरुद्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरहसी अंचल सचिव पूरन चंद साहू अनशन का अनिश्चितकालीन अनशन आज तीसरा दिन भी जारी था, लेकिन तरहसी वीडियो सचदानंद महतो ने जूस पिलाकर अनशन को तोड़वाया। अनशन में मौजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव रुचिर तिवारी ने कहा कि हम लोग गरीबों की लड़ाई को आज तक लड़ते आ रहे हैं, इसलिए प्रखंड हो या अंचल भ्रष्टाचारी और घुसखोरी पर अंकुश लगाने की बातें कही। कहा कि तरहसी प्रखंड कार्यालय में बिचौलिया हावी होने के कारण घुसखोरी की काफी शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरहसी अंचल सचिव पूरन चंद साहू का अनशन अनिश्चितकालीन किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कार्यकारी सदस्य सूर्यपद सिंह ने कहा कि हेमंत राज में अफसर और पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जमीन के रसीद काटने और मोटेशन कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के चक्कर में प्रतिदिन आम जनता को दौड़ाया जा रहा है, ताकि वो थक हार कर मोटी रकम देकर अपना काम करा सके। अनशन के तीसरे दिन स्वास्थ्य विभाग से लोग आकर पूरन चंद साहू का स्वास्थ्य जांच किया, पर उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनशन जारी रहेगा। हालांकि तरहसी वीडियो सचदानंद महतो ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वा दिया। अनशन में मौजूद माले के कद्दावर नेता डॉक्टर बीएन सिंह ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारी को अंचल या प्रखंड में जरूरत नहीं है, क्योंकि आम जनता कई विश्वास लेकर अंचल पहुंचते हैं, लेकिन वे लोग अंचल का चक्कर काटते काटते कई महीनों बिता देते हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अंचल में रहने लायक नहीं है। तरहसी से सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ब्लॉक में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर काम जो है सो बिना कमीशन के नहीं हो रहा है, बिचौलियागिरी हावी है यहाँ पर, उसके खिलाफ आज तीसरा दिन जो है से पूरन चंद साहू जो है सो बैठे हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर जो है सो बैठी हुई है, लेकिन अभी तक पदाधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रहा। भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर लकड़ी को खा जाती है। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के पूरन चंद आज तीसरा दिन भूख हड़ताल पर है। यहाँ प्रखंड में भ्रष्टाचार का फैक्ट्री चल रहा है, बोलबाला है, बगैर घूस के बगैर किसी तरह का काम नहीं होता है, और ये बिचौलिया के ही थ्रू होता है, बिचौलिया के माध्यम सारा होता है, अपने लेता है कमीशन। अब बताइए, जिसका 35 बरस हो रहा है, समझ गए, उसका जो है ऐसे वृद्धा पेंशन हो गया, और जिसका 75 बरस कितने हैं उसका वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है, ये सब दलाली की वजह से न हो रहा है। अब चल के देख लीजिए फील्ड में कि बहुत सा यहाँ भी है, आप लिस्ट निकाल के देखें, जिसका 35-40 बरस का उम्र है उसको वृद्धा पेंशन हो रहा है, और जिसका ज़्यादा 80 बरस है 85 बरस है, वो बेचारा असहाय है, भूख के लिए अति कर रहा है, तड़प तड़प रहा है,